जापना, मैंने भी तो पुनर्जन्म लिया है। आपने भी पुनर्जन्म लिया है? हाँ जापना, आज से 200 साल पहले मैं राजा ध्यान सिंह के राज्य के उन बंजारों कबीले का सरदार था और उसी कबीले की बेटी रत्ना से प्यार करता था, पर राजा ध्यान सिंह के बेटे राजकुमार जान सिंह की नजर मेरी रत्ना पर पड़ गई और उन्होंने मेरी रत्ना को पाने के लिए कितने जतन किए। मैंने और मेरी रत्ना ने हमारे प्यार को बचाने की बहुत कोशिश की जापना, पर आखिरी में राजकुमार जान सिंह के सामने में टकरा नहीं पाए और आखिर में हमें अगले जन्म में मिलने की कसम खा के हमने दुनिया छोड़ी। मैंने पुनर्जन्म लिया है जापना और मैं अपनी रत्ना को लेने आया। अगर आपको यकीन नहीं आता जापना तो आप जांच कर सकते हैं। पिछले जन्म में मेरी रत्ना के दाएं घुटने में एक छोटा सा प्यारा सा तिल था और मुझे पूरा यकीन है इस जन्म में भी उनके दाएं घुटने में वो छोटा सा प्यारा सा तिल होगा। ठीक है, दिखाइए। जापना मतलब आप खुद जरा देखिए और देख के हमें बताइए कि तिल है कि नहीं। हमारे दाएं घुटने में तिल है। यकीन आया जापना? आखिर में हमारा मिलन तो होना ही था। कृपया करके आप हमारे प्यार का साथ दे और मुझे अपनी रत्ना को यहाँ से ले जाने की इजाजत दे जापना। चलो रत्ना। अरे ऐसे कैसे चलो? हाँ अगर इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अगर इन्होंने कहा कि रत्ना के घुटने पे तिल पिछले जन्म का, इस जन्म के उर्वशी के घुटने पे तिल है, तो इत्तेफाकन भी तो ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि उर्वशी के पीठ पे मस्त है तो नहीं है। है? हमें कैसे पता कि उर्वशी के पीठ पे मस्त है? हमने तो ऐसे ही इत्तेफाकन बोल दिया। तो जैसे इनके घुटने का तिल वैसे हमारे पीठ का मस्ता। इत्तेफाक नहीं, वैसे बात तो सही है, इत्तेफाक तो होते हैं। अब यही इत्तेफाक ले लीजिए, रानी साहिबा हमसे रोज कहती रही कि आप मोटे हैं मोटे हैं मोटे हैं, और उस दिन हमने अपने आप को आईने में देखा तो हम वाकई में मोटे हैं। फिर तो इत्तेफाक की बात हो गई ना। इत्तफाक। खैर आप हमें बताइए कि और कोई सबूत है आपके पास? मतलब और कोई अगर तिल हो कोई? हाँ जापना। नहीं नहीं, हमारा मतलब है तिल नहीं, कोई और सबूत जिसे आप साबित कर पाए कि यही आपकी रत्ना है। ठीक है जापना, अगर आप चाहो तो राजा ध्यान सिंह के उन बंजारों की उजड़ी हुई बस्ती में जाकर देख सकते हैं। मेरी और मेरी रत्ना की सालों पुरानी तस्वीर आज भी लगी हुई है। तो मैंने वो मेरी रत्ना ने घंटों साथ बैठकर बड़े प्यार से एक चित्रकार से बनवाई थी। साबित तो करना होगा। दरबान जी। हुजूर। अब तुरंत ये राजा ध्यान सिंह के राज्य में जाइए और ये 200 साल पुरानी तस्वीर लेकर आइए। आप चाहे तो जापना वहां पे किसी से भी पूछवा सकते हैं कि अपनी प्रेमिका के लिए अंबर ने जान दी थी या नहीं। है? ये क्या बात हुई? प्यार आप दोनों ने किया और जान किसी अंबर ने दे दी? जापना अंबर मैं ही हूँ। मैंने अपनी रत्ना के लिए पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, इनके बारे में हमने सुना तो बहुत है लेकिन कभी देखा नहीं है। लेकिन इन बातों को सुनके ना मजा बड़ा आता है। धन्यवाद जापना, आपने हमारे प्यार को समझा। चलो रत्ना। छोड़िए, ऐसे कैसे चलते हैं हम आपके साथ? क्या इतना कहने के बाद भी तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं आया रत्ना? नहीं। दो दिन साथ रहोगी तो सब याद आ जाएगा। दो दिन? चलो। अरे ऐसे कैसे चलो? हमारा मतलब है जापना, उर्वशी को अपना पिछला जन्म याद ही नहीं है तो दो दिन इनके साथ ऐसे? बात तो आपकी सही है किंतु मैं याद नहीं दिलवाऊंगा तो इन्हें अपना पिछला जन्म याद कैसे आएगा जापना? बात तो इनकी भी सही है। हमें लगता है कि याद दिलाने के लिए इनका यानी कि अंबर का यहां पर हमारे महल में रहना जरूरी है। अगले कुछ दिनों के लिए अंबर आप हमारे मेहमान बन के हमारे महल में रहेंगे। क्या? दरबान
इन्हें मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए और वहां से ही आप निकल जाइए सीधा राजा ध्यान सिंह के यहाँ, वो तस्वीर लेने के लिए 200 साल पुरानी। चलो ओ, मेहमान है हमारे, ये प्रेमी भी है, चलिए पुनर्जन्म भी हुआ इनका। क्या गोद में उठा करके लेके जाए जहाँ पर ना? नहीं, आप ऐसे ही ले जाइए, ले जाइए। फूफू ने कहा था ना? हाँ, वही तो। नहीं भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं कभी भी आपसे जुदा नहीं होऊंगा। भारत, तेरा हम क्या चार डालेंगे? अच्छा, अब मुझे पता चला, मतलब आगे चलकर आप उर्वशी का अचार डालने वाले थे? अरे, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तेरा क्या करें। अरे सलीम भाई साहब, मेरा कुछ मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करना है तो कुछ उस अंबर का करो, नहीं तो उर्वशी को ले जाएगा। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा, मार मार के हम उसको उसका पिछला जन्म याद दिला देंगे। लेकिन पिछला जन्म तो उसे याद है ना? हाँ तो फिर अगला जन्म याद दिला देंगे। अरे सलीम भाई साहब, जन्म ही याद दिलाते रहोगे क्या? ये जन्म वनम याद दिलाने से कुछ नहीं होगा। और आपने सुना नहीं, प्यार करने वालों का जन्म जन्म का साथ होता है, चिंता करो। अच्छा, इसका मतलब उर्वशी और हमारा जन्म जन्म का साथ होगा? ओफो सलीम भाई साहब, मैं आपकी और उर्वशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंबर और रत्ना की बात कर रहा हूँ। अरे अंबर से अगर उर्वशी बचेगी तभी तो वो मेरी होगी ना। मेरी? ओ, मतलब हमारी 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 होगी मतलब? ओहो, मतलब आपकी होगी। खुश? हमारी मतलब हमारी, और उर्वशी तो जरूर बचेगी, लेकिन वो अंबर नहीं बचेगा। पिछले जन्म में भी वो एक राजा के बेटे के हाथों से मरा था ना, इस जन्म में भी वो एक राजा के बेटे के हाथों से मरेगा। राजा का बेटा कौन? अरे हम शहजादे सलीम शाहीखून है हम। और राजा कौन? हमें लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, पिछले जन्म का। आज तू नहीं बचेगा।